हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फुलारा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ टेलीप्राइम। टेलीप्राइम कैसे क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले दे चुकी हूँ, और टेलीप्राइम में किस तरह से हम कंपनी क्रिएट करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी ये वीडियो मिस की है तो ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और आप वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं आपको टेलीप्राइम में बताऊँगी परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर क्या होता है ये समझ लेते हैं। मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, और पसंद आने पर प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले आता है परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर क्या होता है, बिजनेस में हम कई पार्टी से माल को खरीदते और बेचते हैं। माल को किसी पार्टी से खरीदने से पहले उसे परचेज किए जाने वाले माल की क्वांटिटी बतानी होती है, अर्थात हमें जितना माल अपने बिजनेस के लिए चाहिए उसका ऑर्डर बनाकर सप्लायर को भेजना होता है, ताकि उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सप्लायर उस माल को आप तक सप्लाई कर सके। इस प्रकार से बनाए जाने वाले ऑर्डर को ही हम परचेज ऑर्डर के नाम से जानते हैं। परचेज ऑर्डर के द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए ऑर्डर के अनुसार समय पर माल प्राप्त हो गया या नहीं। अब हम समझेंगे सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर क्या होता है, जब हमें कस्टमर से माल की बिक्री के लिए कोई ऑर्डर प्राप्त होता है तो उसे हम सेल्स ऑर्डर के नाम से जानते हैं। सेल्स ऑर्डर बनाने से हम आसानी से यह जान सकते हैं कि कौन से ऑर्डर को भेजा जा चुका है और कौन सा ऑर्डर पेंडिंग है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि परचेज ऑर्डर क्या होता है और सेल्स ऑर्डर क्या होता है। अब हम आगे हम समझेंगे कि परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को कैसे हम कंप्यूटर में, यानी कि टेलीप्राइम में, इसे हम इसकी एंट्रियाँ पास करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे टेलीप्राइम मैंने जैसे कि ओपन कर रखा है और एक कंपनी देख रहे होंगे पहले से खुली है, इसे सबसे पहले हम सर्ट करेंगे। और सर्ट करने के बाद यहाँ पर आपने देखा होगा मेरी कंपनी सर्ट हो चुकी है। अब हम करेंगे क्रिएट कंपनी, ऊपर देख रहे होंगे क्रिएट कंपनी, तो क्रिएट कंपनी पर हम क्लिक करेंगे और एक कंपनी यहाँ पर हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ABC लिमिटेड नाम से एक कंपनी क्रिएट कर ले रही हूँ। मेलिंग नाम हम वही रखेंगे, एड्रेस में मैंने कुछ नहीं डाला है, और आप यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो एड्रेस डालेंगे, स्टेट डाल देंगे, और अपना पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, जो भी आपके पास अगर डिटेल है तो सारी यहाँ पर डिटेल डाल देंगे। और यहाँ पर डालने के बाद आगे बढ़ते हैं, और ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल दीजिए। तो मैं पूरी डिटेल नहीं डाल रही हूँ, आप अगर काम कर रहे हैं तो सारी डिटेल अच्छे से डालेंगे। और वेबसाइट है तो वेबसाइट भी आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट भी डाल दे रही हूँ, aiit.gomp.edu.org। और फाइनेंशियल ईयर हम यही रखते हैं जो चल रहा है हमारा, और हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ गया है, यहाँ पर आपको ऊपर मेंटेन अकाउंट में यस करना है, मेंटेन इन्वेंटरी यस करना है, और इसके बाद सब जगह नो 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 करते चले जाना है। और कॉलम में अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तब यहाँ पे यस रखेंगे, अदरवाइज नो, और GST को भी नो कर देते हैं, और ऑनलाइन एसेस में भी हम सब चीज़ नो रख देते हैं। तो इस तरह से नो करने के बाद हमारी सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को कैसे हम करेंगे ये देखेंगे। तो परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर हम पहले बाउचर में देख लेते हैं। यहाँ पे परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे हाइड दिख रहा है, और सेल्स में भी जाके हम देख रहे हैं तो ये चीज़ हाइड है, तो इसे सबसे पहले हमें अनेबल करना पड़ता है। तो अनेबल से वहाँ पे जाके इसे हमें ऑन करना होगा। तो इसके लिए हम ऑर्डर में आएंगे, और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे बाउचर टाइप, इस पर आप क्लिक करना है आपको। और जैसे ही आप इसे क्लिक करते तो यहाँ पे आपके सारे वाउचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम आएंगे सबसे पहले परचेज ऑर्डर में। तो परचेज ऑर्डर में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से बॉक्स खुलेगा, और यहाँ पर आपको एक्टिव, यहाँ पे दिखा है ना, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको यस करना है, तो इसको एक्टिवेट कर लेना है। और एक्टिवेट करने के बाद अब हम सेल्स ऑर्डर को भी कर देते हैं, सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप यस,
तो इसको यस करने से हमारा जो वहाँ पे पर्चे ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का ऑप्शन है बाउचर्स में शो करने लगेगा। तो यहाँ से हम वापस आते हैं और अपने बाउचर में आते हैं। बाउचर में आने के बाद क्लिक करते हैं और अब आप देखेंगे पर्चे ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर जो है हमारा ये शो करने लगा है। देखिए पर्चे ऑर्डर शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम पर्चे ऑर्डर का ही काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले पर्चे ऑर्डर बाउचर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे पार्टी का नेम डालेंगे और सेल्स ऑर्डर भी शो कर रहा है। पार्टी का नाम डालेंगे तो यहाँ पर पार्टी का सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर्चे ऑर्डर ही कर लेते हैं। पार्टी का नाम आएगा यहाँ पे, तो पार्टी का नाम हम यहाँ पे ऑल्ट सी करके क्रिएट कर लेंगे क्योंकि हमने पहले नहीं बनाया है। तो एबीसी लिमिटेड नाम से ही बना ले रहे हैं। और ये बंदा कहाँ का है तो इसका ये सॉरी एबीसी ये किस में आता है तो ये हमारा सैनिटरी क्रिएटर है, तो इसे हम सैनिटरी क्रिएटर में डाल देंगे। इसका अंडर ग्रुप सैनिटरी क्रिएटर है। और इसके बाद इसकी मेलिंग की डिटेल आपके पास है तो आप ये सारा डाल दीजिएगा, और नहीं है डिटेल तो ऐसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही दिल्ली डाल दिया है क्योंकि दिल्ली का है, बाहर का मैंने थोड़ा सा कर दिया है। आप देखेंगे आप जहाँ का आपका मेलिंग है, जहाँ पे सेंट्री है, सेंट्री क्रिएटर जहाँ का है आपका, आप उसमें डालेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे ओके करते हैं। सॉरी मैंने दिल्ली डाला था तो अब मुझे लगता है कि मुझे दिल्ली नहीं डालना चाहिए क्योंकि कंपनी मेरी कंपनी में मैंने उत्तराखंड डाला था, तो इसलिए मैं इसको मैंने स्किप कर दिया है। और मुझे लगता है मेरे को मैंने कुछ गड़बड़ की है तो मैं इसे दोबारा सा थोड़ा सा बनाना चाहती हूँ। तो मैंने दोबारा से एबीसी नाम से बना दिया है और सैनिटरी क्रिएटर डाल दिया है, एबीसी डाल दिया है। यहाँ मैं उत्तराखंड ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड की थी। और यहाँ पे ऑर्डर नंबर हमारा पहला है तो हम पहला ही डालेंगे, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा। तो मेरा पहला है तो मैंने यहाँ पे पहला कर दिया है। अब पर्चे ऑर्डर में पर्चे डालेंगे, इसे भी हम ऑल्ट सी करके क्रिएट कर लेंगे। तो ये लेजर भी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, पर्चे ऑर्डर परचेज के अंदर ही आता है। यहाँ पे पर्चे ऑर्डर डाल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेम ऑफ आइटम है, यहाँ पे आइटम क्वांटिटी रेट सबको डालना है। तो यहाँ पर जो आप ऑर्डर कर रहे हैं उसकी डिटेल डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम मैंने ऑल सी करके लिया है और माउस खरीद रही हूँ। माउस किसके अंदर आता है इसका अंडर ग्रुप हम डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर माउस को अंडर ग्रुप में जो डाल रही हूँ कंप्यूटर्स के अंदर डाल देती हूँ, और कंप्यूटर का एक पार्ट है, और इसे ओके कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यूनिट क्या है इसका, मतलब हमने किस में ख़रीदा है, किस क्वांटिटी में ख़रीदा, हमने पीसीस में ख़रीद रखा है, यस कर देते हैं और इसको भी हम ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, और पहले यहाँ पे डेट देखेंगे आप किस डेट को आपका जो है पर्चे ऑर्डर आने वाला है हमें वो डेट डालनी होती है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर 1 मार्च डाल दूँगी, 1 अप्रैल को हम ऑर्डर कर रहे हैं तो 1 मार्च को मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर हमें डेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पर्चे ऑर्डर हमारा कब आएगा ये हमें तभी पता चलेगा जब हम यहाँ पे डेट डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 मार्च डाल दिया है, MARCH, और यहाँ पे 2022 क्योंकि डेट मेरी वहाँ पुरानी पड़ी है और मैं अभी अप्रैल में हूँ इस समय, 1 अप्रैल 2021 में हूँ, डेट मेरी बाहर गलत पड़ी थी। तो 1 महीने बाद की मैंने डेट डाली है। और क्वांटिटी कितनी है, कितनी आप ख़रीद रहे हैं यहाँ पे ये भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल तो 10 पीसेस ख़रीद रही हूँ केवल, और इसका रेट क्या है ये भी हमें डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम रेट डाल रहे हैं, 200 रुपये एक रेट डाल रहे हैं हम। तो टोटल हमारा 2000 के माउस आएंगे, और यहाँ आप देख रहे होंगे क्वांटिटी रेट वगैरह ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। और ये हमारा एक पर्चे ऑर्डर हमने सेट कर दिया है, फिर यानी कि इसकी एंट्री पास कर चुके हैं। अगर और ऑर्डर कर रहे हैं तो नीचे भी आप एंटर करके और ऑर्डर दे सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं अभी एक ही ऑर्डर करके दिखाऊंगी आपको। और अब हम आएंगे सेल्स ऑर्डर में, और सेल्स ऑर्डर में हम सेल्स पे क्लिक करके सेल्स ऑर्डर ले लेंगे। और सेल्स ऑर्डर में भी हम पार्टी का नाम डालेंगे यहाँ पे, तो पार्टी का नाम हम कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल तो मैं डाल दूँगी ऑल्ट सी करके। ऑल सी करके यहाँ पे हम कोई भी एक नाम डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे XYZ हम डाल देते हैं, कुछ भी आप डाल देंगे, आपका जो पार्टी है वही डालेंगे। और यहाँ पे XYZ जो हमारा डेब्टर है क्योंकि हम इससे सेल कर रहे हैं, तो ये हम डेब्टर है, ये हमारा देनदार है। और उसके बाद हम यहाँ पर हम इसकी डिटेल भी डाल देते हैं। तो डिटेल हमने XYZ है और ये कहाँ का है रहने वाला, इसकी एड्रेस डाल देते हैं। तो इस एड्रेस हमने दिल्ली डाल दिया है। और
स्टेट भी हमने दिल्ली कर दिया है, और आगे एंटर करते हैं और एंटर एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक्सेप्ट हो चुका है, और ऑर्डर नंबर क्योंकि हमारा ये 1 था तो ये ऑर्डर नंबर हमारा यहाँ पे सेल्स का भी 1 ही है, और सेल्स का भी हम यहाँ पे लेजर बना लेंगे ऑल सी करके। तो सेल्स सेल्स अकाउंट के अंदर ही आता है, इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट होता है। एंटर करते हैं और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम डिटेल सेल्स हमारा जो हमने करना है, किसका करना है, इसका हमें डिटेल डालनी है, किस कौन सा प्रोडक्ट हमें सेल करना है। तो हम ऑल सी करके यहाँ पे आइटम भी बना लेंगे। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड में यहाँ पे टाइपिंग कर लेती हूँ, कीबोर्ड नेम हो गया कीबोर्ड, और अंडर ग्रुप जो है इसका कंप्यूटर है, कंप्यूटर का पार्ट्स है तो कंप्यूटर रखा है, पीसीस में हमने ख़रीदा है, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ड्यू डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं कि किस डेट में हमारा ये ऑर्डर हमें कंप्लीट करके देना है, सेल करना है। तो इसमें भी मैं 1 मार्च 2022 डाल देती हूँ, और यहाँ पे मैंने 2022 डाल दिया है। आप ड्यू डेट भी डाल सकते हैं और डे भी डाल सकते हैं। और क्वांटिटी कितनी ख़रीदनी है, यहाँ पे मैंने 500 कीबोर्ड ख़रीदे हैं, और इसका रेट क्या है हमें यहाँ पे रेट भी डालना है। तो रेट मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 300 रुपये पर कीबोर्ड डाल दिया मैंने, तो इसका टोटल 1,50,000 रुपये रेट हो गया, और एंटर कर दिया है। ये एंट्री हमारी पास हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर की एंट्री पास कर ली है। अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो ये सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर की एंट्री कहाँ है। तो इसके लिए हम आएंगे डे बुक में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे, और इसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे डे बुक में आएंगे। डे बुक में आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर दोनों की एंट्री हमारी यहाँ पे दिख रही है। अगर आपको कोई कमी दिख रही है या फिर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं। तो प्रिंट यहाँ से मैं दे रही हूँ, देखिए प्रीव्यू कर रखा है, प्रीव्यू में देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट आ रहा है। जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए यहाँ पे जूम करके आप इसके प्रिंट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सेल्स देख रहे हैं, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों दिखा रहा है यहाँ पे। और इसे मैं बैक स्पेस कर यहाँ पे एस्केप से वापस कर देती हूँ, और यहीं से आप इस एंट्री को सही भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसे आप और डिटेल से अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम स्टॉक समरी में आएंगे, और उसके बाद आएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा स्टेट, हाँ यहाँ पे स्टेटमेंट में चले जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर्स में आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेट हमारी बैक डेट की पड़ी है, यहाँ पे हम डेट को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हम करंट डेट है उसको हम डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 मार्च 2022 मैंने डाल दिया है, और चेंज कर लिए डेट हमने, और एंटर करते हैं। तो एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो ऑर्डर थे वहाँ पे दिखने लगे हैं। तो यहाँ पे जो हमने सेल किया है, यहाँ पे 500 पीसीस हमने सेल कर रखे हैं, जिसकी क्वांटिटी है 300 रुपये रेट, और 1,50,000 का हमने क्या कहते हैं हमारा अमाउंट यहाँ पे डेबिट होना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सेल्स ऑर्डर की देख सकते हैं, और इसी तरह से हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर की भी हम देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर देखिए अभी फिर से डेट में चेंज करती हूँ, और डेट चेंज करते ही यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो हमने किया है उसकी डिटेल आ सकती है, आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने 10 पीसेस कर रखे हैं, और 2,000 रुपये हमारे को ऑर्डर जो हमने दिया है उसका हमें देना है। तो सारी डेट डिटेल पूरी यहाँ पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की एंट्री कैसे पास करेंगे, ये आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।